गाइस अब होने वाला है म्यूटू आए म्यूटू आर्मर्ड म्यूटू वर्सेस मेगा गेंगार। भाई साहब हमारे तीनों म्यूटू ने गाइस इस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। बट गाइस मेगा गेंगार यार बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके हेल्थ देखो कितनी जल्दी जल्दी डाउन कर दिया। मेगा गेंगार मेगा गेंगार मेगा गेंगार गाइस बहुत सारे लोगों ने मेगा गेंगार को कैप्चर करने का ट्राई करा है बट अब तक गाइस उसे कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया है। गाइस पिछली बार जब मैं उसे पकड़ने गया था तो भाई उसने अपनी हेल्थ बढ़ानी शुरू कर दी थी और उसने मेरे सारे पोकेमॉन्स को मार दिया था। बट गाइस पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आर्मर्ड म्यूटू शैडो आर्सियस और म्यूटू आई को कैप्चर कर लिया है जिनकी मैं फाइट कराने वाला हूँ इस मेगा गेंगार के साथ, जिसमें की गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस पैल वर्ल्ड की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस जैसे कि आज हम लोग जाने वाले हैं मेगा गेंगार को कैप्चर करने, क्योंकि गाइस मेरे पास हो चुकी है सबसे खतरनाक पोकेमॉन्स की टोली। क्योंकि गाइस पिछली वाली वीडियो के अंदर मैं पकड़ के आ चुका हूँ हमारा आर्मर्ड म्यूटू जो कि गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये भाई चिंगड़ी पोकेमॉन्स को क्यों मारने लग गया भाई, डायरेक्ट मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ गाइस मेगा गेंगार के साथ। और साथ में गाइस मैंने पकड़ के आ चुका हूँ गाइस मैं अपना मोल्ट्रेस को जो कि है भाई सबसे खतरनाक फायर टाइप पोकेमॉन। मतलब गाइस मेरे पास सबसे खतरनाक डार्क टाइप पोकेमॉन, सबसे खतरनाक फायर टाइप पोकेमॉन, प्लस में गाइस मैं अपने लेके जाने वाला हूँ हमारे म्यूटू को। ये तो भाई शुरू से हमारी अब तक सारी फाइट्स में रहा है, मतलब ऐसी कोई भी फाइट नहीं हुई जिसके अंदर गाइस मैं अपने म्यूटू को ना लेके गया हूँ। और फिर गाइस आता है हमारा म्यूटू वाई। मतलब सोचो भाई आज उस मेगा गेंगार के सामने आने वाले हैं तीन म्यूटू, म्यूटू म्यूटू वाई और आर्मर्ड म्यूटू। तो गाइस उस फाइट के अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ में गाइस मैंने पूरा गोला बारूद भर लिया अपने साथ, भाई पूरी गोलियां वोलियां रख ली हैं। तो गाइस आज मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग उस मेगा गेंगार की चल के अच्छे से बैंड बजाने वाले हैं। अब गाइस मेगा गेंगार की लोकेशन लेने तो मुझे जाना नहीं होगा क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं उसे ब्लैक मार्केटर से लेके आ चुका हूं। तो गाइस मेगा गेंगार हमें मिलने वाला है इस आइलैंड पर, तो जल्दी से गाइस यहां पर फास्ट ट्रैवल करते हैं। तो ओके गाइस अब मैं फास्ट ट्रैवल करके आ चुका हूं और इस आइलैंड पर ही सामने पुलिस वाले खड़े हैं या कौन है ये? ये तो चिंदी से कोई लोग हैं, मुझे पता है ये बल्ले से अटैक करते हैं। आ जा बेटा आ जा, ये ले आपका अटैक बेटा, हवा में उड़ा उड़ा के मारूंगा। और भाई ज्यादा डैमेज तो नहीं गया क्योंकि आर्मर वार्मर पहन रखा है इन लोगों ने क्या? लोग बेटा तुम आर्मर पहन के आओगे मैं भेजूंगा अपना आर्मर्ड म्यूटू। आइए जरा अब बताओ बेटा, अब देख रहे हो तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी बेटा, आप करना जरा बदतमीजी, यहां करना जरा बदतमीजी। इन्हें गाइस पता नहीं है ये किससे पंगा ले रहे हैं। और गाइस जब पिछली बार में मेगा गेंगार को पकड़ने गया था तो भाई उसने अपनी हेल्थ बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्या ऐसे गाइस वो उसकी सीक्रेट एबिलिटी है जिसकी वजह से गाइस मैं उसे नहीं पकड़ पाया था और उसने भाई मेरे 50 से ज्यादा पोकेमॉन्स को मार दिया था। बट गाइस मुझे आज फील आ रही है कि आज मैं उस मेगा गेंगार को सही में पकड़ के आने वाला हूं। अब भाई जल्दी से पहले उसे ढूंढ लेते हैं यार, पकड़ूंगा तो तब ना जब वो मुझे मिलेगा। अब अपने एरोप्लेन पर बैठकर यार इधर उधर देखते हैं गाइस कि हमें मेगा गेंगार कहां पर मिलने वाला है। बस यार जल्दी से मिल जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। 12 seconds later दिख जा यार मेगा गेंगार कहां पर है तू, यहाँ तो भाई बेमतलब के चिड़िया वगैरह घूम रही हैं। तो कौवे हैं भाई, चिड़िया भी नहीं है ये भाई, इनसे पंगा नहीं लेना मुझे इन चिंदी लोगों से। अब देखते हैं भाई पिछली बार तो गाइस हमें मेगा गेंगार यहीं कहीं पर मिला था। अबे यार मेगा गेंगार मिला था या शैडो म्यूटू मिला था? भूला। अबे यार मैं भी नूबड़ा हूँ गाइस, वो ये वाला आइलैंड था जहाँ पर हमें मेगा गेंगार मिला था। ये तो भाई शैडो म्यूटू की लोकेशन है जिसे गाइस हम लोग ऑलरेडी पकड़ के आ चुके हैं। और गाइस अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं शैडो म्यूटू को इस फाइट में क्यों नहीं लेके आया, तो भाई सिर्फ म्यूटू की फाइट थोड़ी ना करानी है कि चार चार म्यूटू लेके आ जाऊंगा, बस इसलिए मैंने भाई उसे घर पे बिठा दिया थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। अब गाइस फटाफट से पहले यहाँ पर फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं। तो गाइस अब फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी परफेक्ट लोकेशन पर और इसी बीच पर हमें कहीं ना कहीं वो मेगा गेंगार मिलने वाला है। वैसे तो भाई यहाँ पर ये सारे चिंदी चिंदी पोकेमॉन्स घूमते रहते हैं बट भाई यहीं कहीं पर पिछली बार भी हमें मिला था मेगा गेंगार। और यहाँ पर ही पिंजरे में किसे बंद कर रखा है भाई? अबे टोको टोको बंद रख लिया भाई इन लोगों ने। अबे इतने घटिया है ये सिंडिकेट ठग भाई, मतलब टोको टोको जैसी बतख को भाई अंदर बंद करेंगे रखेंगे पिंजरे में। अबे कोई ये डेड ड्रैगन वगैरह थोड़ी ना है जिसे पिंजरे में बंद करके रखा है। मैंने इतनी बार समझाया है भाई इतने छोटे पोकेमॉन को मत रखा करो भाई, बेचारे रोते हैं अंदर। पर नहीं भाई मानना थोड़ी ना है, बेमतलब में भाई टोको टोको मेरे पास आ गया, इसे बेचाऊंगा भाई, इतने चिंदी पोकेमॉन्स को नहीं रखता मैं अपने पास। अब गाइस सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं जो हम करने आए हैं यहाँ पे, ऐसे तो भाई अपना टाइम वेस्ट ही होता रहेगा। रुक जा यार लॉन्ग ड्रैगन ऐसे मत कर भाई, हमें मेगा गेंगार को ढूंढना है। जल्दी से ढूंढते हैं अपने मेगा गेंगार को, बस यार जल्दी से मिल जाए वो हमें। A few moments later गाइस मैंने नीचे का एरिया तो पूरा कवर कर लिया और भाई नीचे तो मुझे वो मेगा गेंगार नहीं मिला बट ये मीटियोराइट गिर रहा है भाई हमारे आसपास। क्या भाई लॉटरी लग गई क्या फ्री में हमारी? कहाँ पर है भाई एक बार देख लेते हैं। मतलब वो तो मुझे पता नहीं आएगा भाई मीटियोराइट के अंदर, यहीं कहीं पे गिर रहा है भाई वो। मैं छोड़ो भाई यार मुझे नहीं लेने जाना भाई, ये बेमतलब का पत्थर होता भाई, मिस्त्री थोड़ी ना हो यार ये पत्थर वत्थर लेके जाऊंगा। और भाई यार देखो मेरा लॉन्ग ड्रैगन भी इतना थकेला है, 2 सेकंड उड़ता नहीं है, पहले ही थक्के बैठ जाएगा नीचे। अब भाई ऊपर चल के ढूंढते, क्या पता गाइस नीचे तो है नहीं, क्या पता ऊपर ही मिल जाए हमें। उम्मीद तो है भाई हमें ऊपर मिल जाना चाहिए वो मेगा गेंगार। अब यहाँ पर भी एक खुला मैदान है भाई, यहाँ मिल जाता तो आराम से कुटाई कर देता उस मेगा गेंगार की, बट छोड़ो यहाँ पर नहीं है वो।
और गाइस देखो भाई सामने हम लोगों को मेगा गेंगार दिख चुका है। वही मैं सोचू भाई लोकेशन तो यही थी यार, नीचे तो कहीं दिखा नहीं, बट भाई ऊपर क्या कर रहा है फुदक फुदक की। भाई इसकी हेल्थ यार फिर से माइनस में है। भाई इसकी हेल्थ के साथ हमेशा कोई ना कोई झमेला हुआ रहता है। और एक बार देखो भाई तुम लोग कैसे फुदक रहा है, मतलब गाइस ने ऊपर से तो अपनी पूरी बॉडी बना रखी है। और एक बार पैर देखो भाई चूहे जितने साइज के हैं। बट गाइस आज मैं इसकी गुद्दी लाल करने वाला हूं और इसे अपनी झोली में भरने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई रुको मैं अपना पहले पैल बॉक्स यहां पर बिल्ड कर लेता हूं ताकि मेरी कुटाई हो जाए। तो तुम्हें पता ही है यार हम लोग यहां पर आराम से रिस्पॉन तो हो पाएंगे ना। यहाँ कर लेते हैं बिल्ड, बस आराम से इसे फटाफट से बिल्ड करते हैं। और गाइस आज इस मेगा गेंगार को हम लोग पकड़ के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके पिछवाड़े में गोली बजाते हैं। ले तेरी भैंस, आ जा बेटा अब लड़ावा जा, आजा आजा आजा, मैं ना लगता तेरे से डर। सबसे पहले गाइस मैं भेजने वाला हूँ हमारे आर्मर्ड ब्यूटी को। और भाई इसकी बैंड बजाने वाले हैं हम लोग। रुक जा, अरे 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 अरे, अरे भाई मेरी बैंड बजा दी इसने एक बारी में। भाई इसलिए बोलता हूँ ये भाई काफी ज्यादा खतरनाक है। भाई इसे बिल्कुल भी गाइस मैं हल्के में नहीं लेने वाला। मतलब इसने एक अटैक करा और मेरा आर्मर ही डैमेज होकर बैठ गया। भाई इसमें यार मैं एक बार अपनी वेनम वाली गन बजा के देखता हूँ, मुझे उम्मीद तो है। और ये भाई सिंडिकेट क्यों आ रहे हैं बीच में, तुमसे किसी ने बोला यहाँ पे? इतनी जरूरी फाइट चल रही है यहाँ बीच में, आगे ना लगी मरना यहाँ पे। रुको बेटा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे मारता हूँ भाई पहले मैं वेनम वाली गन। भाई वेनम वाली गन हमारे आर्मर्ड ब्यूटी को तो काम आई थी। अरे यार लग जा भाई, इसकी गन ही नहीं लगी है। ले लग गई लग गई लग गई लग गई भाई, बहुत तेज हेल्थ गई है, बहुत तेज हेल्थ। अरे भाई बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया भाई, हेल्थ तो डाउन हो रही है, हेल्थ तो डाउन हो रही है। भाई पकड़ सकते हैं हम लोग, पकड़ सकते हैं गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अपने आर्मर्ड म्यूटू को भेजना है मुझे जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई क्या बंदूक की तरह गोलियां निकालता है आर्मर्ड म्यूटू। अरे म्यूटू भाई तू मार, चल तू मार तू मार तू मार, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई भी मारो। आर्मर्ड म्यूटू तू जा यार, तू जा तू जा तू जा। और गाइस मुझे पता चला है क्योंकि भाई मेगा गेंगार की अपनी हेल्थ बढ़ाने वाली एबिलिटी है, तो भाई हमें इसकी ज्यादा हेल्थ डाउन नहीं करनी। मतलब मैं तुम्हें बता दूं यार, इसमें तो थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी इसके अंदर। पर ये तुम लोग टेंशन मत लो भाई, मैं इसे आज पकड़ के ही जाने वाला हूं। तो भाई मुझे ही चटका दिया पहले, अभी मैंने उसकी गाइस हेल्थ डाउन करनी भी शुरू नहीं करी और मुझे मारना शुरू कर दिया यार इसने। बस भाई मेरा पिछली बार वाला हाल ना हो जाए कि भाई ये मुझे मारता ही चला जाए और मैं फिर से पकड़ भी ना पाऊं। हाँ मुझे लगा भाई आर्मर्ड म्यूटू को मार दिया इसने। ऐसे कैसे बेटा, ले अब मैं अपने सारे पोकेमॉन्स को यहाँ उतारता हूँ। वोल्टेस तू भी बाहर आ जा, जल्दी बाहर जल्दी बाहर। म्यूटू आए तू भी बाहर आ जा, और म्यूटू भी बाहर आ जा। गाइस अब होने वाला है म्यूटू आए म्यूटू आर्मर्ड म्यूटू वर्सेस मेगा गेंगार। गाइस साहब हमारे तीनों म्यूटू ने गाइस इस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। बट गाइस मेगा गेंगार यार बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी हेल्थ देखो कितनी जल्दी जल्दी डाउन करी है। बहुत प्यारा अटैक भाई, बहुत प्यारा अटैक। मुझे पता है भाई ये मेरे तीनों पावरफुल है भाई, पर मेरे वोल्टेस टपक चुकी है यार। भाई वोल्टेस की हेल्थ डाउन कर दी है। ओ भाई साहब, भाई वोल्टेस तो यार गॉड ऑफ फायर टाइप पोकेमॉन था भाई, उसे इसने आराम से मार दिया। मुझे पता है भाई ये डेंजरस आदमी है भाई, बहुत डेंजरस आदमी है। देखो 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 भाई, मुझे लग रहा है भाई मुझे ना इस पे तुक्का भेड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी हेल्थ पे भरोसा नहीं है। कभी ये हेल्थ देखो इसने फिर बढ़ानी शुरू कर दी इसकी। भाई 1 करोड़ पता नहीं कितनी थी, अब इसकी देखो 200 करोड़ की हेल्थ हो गई है। भाई मजाक है क्या, इसकी हेल्थ बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं ना कब तक बढ़ाएगा हेल्थ। एक टाइम तो होगा इसका पेट भर जाएगा पूरा, फिर हेल्थ कहां निकलेगी, फिर कहां भरेगा हेल्थ अपनी। मारते रहो भाई मेरा आर्मर्ड म्यूटू, और ये भाई तीनों म्यूटू ही काफी लग रहे हैं मुझे। बस बहुत बढ़िया भाई, पिछली बार मैंने इतने सारे पोकेमॉन भेजे थे वो कुछ नहीं कर पाए थे इसका। रुक जा कहां दूर भाग रहा है, डर के मत भागे बेटा, आज तू मरने। देखो 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 इसकी हेल्थ पूरी नीचे आ गई। देखो मैं वही कह रहा हूँ गाइस, मुझे पता है ये अपनी देखो वापस हेल्थ बढ़ा लेगा, मुझे पता है ना अपनी हेल्थ ये वापस बढ़ा लेगा गाइस, और हमें इसे तभी पकड़ना होगा। देखो अब इसकी हेल्थ डाउन होगी। रुक जा मैं अपने बाकी पोकेमॉन्स को भी बाहर निकालता हूं। आरसीएस बाहर आ जा, मेरे पास गाइस शैडो आरसीएस भी है, हमारा गुड़ाऊ भी है हमारा। गाइस मैंने काफी सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल दिया है और अब तुम लोग देखना इसकी किस तरीके से बैंड बजने वाली है। इसकी हेल्थ गाइस हमने बहुत जल्दी डाउन करनी शुरू कर दी है। और भाई इसके पास मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ और कम करनी है। देखो इसके ऊपर हेल्थ बार तो खत्म हो गया है, बट भाई इसकी हेल्थ डाउन तो हो रही है, एटलीस्ट पहले तो बढ़ रही थी। अब चलते रहो भाई, मैं थोड़ा दूर खड़े होकर फाइट एंजॉय करूंगा क्योंकि भाई ये एक अटैक में भाई मुझे चटका देता है यहाँ पे। चलते रहो भाई, बस चलते रहो, यहाँ खड़े होकर 2 सेकंड भाई एंजॉय कर लेते हैं यार, थोड़ी शांति भी तो लेनी चाहिए फाइट के अंदर। भाई इसने हमारे बुढ़ाओं को टपका दिया यार। भाई रहने दो भाई, शांति वांति नहीं ले रहा मैं, मुझे ही शांत कर देगा वरना। ठीक है ना, इसकी हेल्थ डाउन करो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेट्स गो ले बेटा, इसमें और जहर लगाता हूँ। जहर नहीं रुकना चाहिए। अरे यार मुझे मत मार यार, पोकेमॉन से लड़ने मेरे। हाँ भाई अब गई हेल्थ। बहुत बढ़िया यार। तो बेटा आ तो सही, इसे पता नहीं है इसने कितने ज्यादा खतरनाक बंदा नहीं हूँ भाई मैं। भाई एक अटैक में पिकाचू आरसीएस मुझे भी मार दिया। इसे आसान नहीं है पकड़ना। रुक जा, मैं अपने पैल बॉक्स से और भी सामान निकालता हूँ। वेनम भरा ही जरा। ग्रीन निंजा आ जा बेटा, निलाने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे ग्रीन निंजा है गाइस अपने पास। जैक्रोम वेक्रोम भाई सारे बंदों को उतार दिया मैंने। अब भाई और भी मजा आने वाला है। चलते रहो बेटा, फाइट नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बस सबसे बढ़िया बात क्या है गाइस, हमारे म्यूटू वगैरह अपनी फुल हेल्थ के साथ जिंदा है। देखो वेनम भी मर गया, पर भाई म्यूटू की पावर भाई बहुत ज्यादा है। भाई देखो हेल्थ कितनी जल्दी जल्दी डाउन करी है भाई, अलग ही लेवल के अटैक चल रहे हैं भाई, इतने खतरनाक अटैक होते हैं, मेरा पूरा पीसी हिल जाता है। मतलब
मेगा गेंगार होगा अपने घर का, ठीक है ना। मैं इसे अभी झोली में भर के लेके जाऊंगा अपनी। रुक जा बेटा, रुक जा। वेनम गन क्यों रुक जाती है बार बार भाई? वेनम गन एक बहुत तगड़ा इन्वेंशन है भाई, जिसने भी वेनम गन बनाई है यार, ह्यूज शाउट आउट टू यू यार। मतलब मजा आ गया भाई, ये वेनम गन को यूज कर हमने गाइस शैडो म्यूटू को पकड़ा है, एड मड म्यूटू को पकड़ा है। और गाइस आज बारी है इस मेगा गेंगार की, और भाई ये सारे छोटे छोटे पोकेमोन्स को मार रहा है भाई, सारे मर गए शायद। बस हमारे ये पिकाचू और ये तीन म्यूटू ही जिंदू है, मतलब जिंदू कह रहा हूँ, ये तीन म्यूटू ही जिंदा है, बाकी भाई सबको टपका दिया यार इसने। रुक जा भाई, और पोकेमोन्स को भेजो। मतलब देखो भाई आज भी मार तो ये बहुत गंदा रहा है। बस पता क्यों रहे हैं हम लोग, क्योंकि गाइस आज हमारे पास है म्यूटू आए और आडमड म्यूटू। म्यूटू तो भाई पहले भी था हमारे पास, और भाई ये मेगा लुकारियो अंदर बैठ के क्या करेगा भाई, आइसक्रीम बनाने तो ये बाहर चल। और कौन से पोकेमोन है भाई, गाइगेंटा मैक्स चार्जर को भी गाइस बाहर निकाल देते हैं, एक और लॉन्ग ड्रैगन है भाई से भी बाहर निकाल देते हैं, और भाई बाकी तो छोटी छोटी लेवल के हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लड़ेंगे ठीक है भाई। हेल्थ बहुत जल्दी कम हो रही है। अबे कहां, अबे खाई भाई से मत गिरा देना उसे, कभी ऐसे ही टपक जाए वो, ठीक है ना। ले बेटा झेल लगा दी, अरे भाई मुझे मार देगा भाई। लुकारियो ने गाइस जमाना शुरू कर दिया है। रुक जा, तेरे और जहर लगाना पड़ेगा मुझे यार। एक तो ये जंगलों के बीच में लड़ रहे हैं, कुछ दिखता भी नहीं है ढंग से। अरे यार बुलेट वेस्ट करा दी मेरी। अब रुक, आराम से जहर की गोली लगवा ले। एक और। अरे भाई लुकारियो को एक बारी में मार दिया इसने भाई। नहीं भाई यार, ये अपनी पिछली वाली हरकतों पे उतर चुका है यार, ये भाई फिर मार रहा है मेरे पोकेमोन्स को। पर भाई आज प्लीज यार, प्लीज पकड़ में आ जाइयो यार आज, वरना बेइज्जती हो जाएगी भाई मेरी। अगर मैं आडमंड म्यूटू से भी नहीं पकड़ पाया तब किसे पकड़ के लाऊंगा भाई, इससे बड़ा तो कोई पोकेमोन ही नहीं है अभी तक। अरे भाई गिरा दिया उसे। ओ नो गाइस, इन बेवकूफ लोगों ने खाई से ही नीचे गिरा दिया। अबे यार, अब गाइस मुझे अपना बेस नीचे जाके बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे पोकेमोन गाइस इतने आलसी हैं कि ये नीचे जाएंगे ही नहीं, मुझे पता है ना। ये ले पहले यहां से तोड़ते हैं भाई, और अब मुझे नीचे जाके इसे बिल्ड करना पड़ेगा भाई यार बेवकूफ। अरे अरे ओ शिट भाई, ये ऊपर आ गया, मैंने बेस तोड़ दिया अपना। ओ शिट खेलते को कुछ नहीं कम करती उसने, अकेले से लपेटने लग गए। ओ नहीं, प्लीज आडमंड म्यूटू को मत मारियो, मैं मार दूंगा तो ये बता रहा हूँ मैं। जल्दी भाई, ये तो बहुत चंटे निकला गाइस, मैं बस यहाँ से निकल ही रहा था, और उसने मेरे आडमंड म्यूटू को भाई सिंगल हैंडेडली उस पर हमला कर दिया। तेरी भैंस की टांग, तारे उतार दिया मैंने अपने पोकेमोन। आइयो बेटा तू। अरे भाई इसने मेरे पे अटैक कर दिया यार। टोको तू भी आ जा बेटा, तू भी आई थी ना, मैं तुझे बचाया था ना, चल लड़ जल्दी आके, लड़। और कौन है भाई, लुकारियो मर चुका है हमारा। चलो भाई अपने अच्छे अच्छे पोकेमोन उतार दिए, और भाई मेरे आडमंड म्यूटू को मार दिया इसने। ओ नहीं गाइस, भाई यार मैं बेवकूफ हूँ यार, मुझे अपना भाई बेस ही नहीं तोड़ना चाहिए था यार, मैंने क्यों तोड़ा बेस यार। भाई इतनी देर में यार मैंने अपने बाकी पोकेमोन्स को स्पॉन करता भाई, उसने सबको मार दिया यार। भाई ये बाकियों को भी मार रहा है ना, भाई ये बाकियों को भी मार रहा है। जल्दी मुझे अपनी फोर्स को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे भाई। ये रहा म्यूटू भाई, गाइगेंटामैक्स तू भी मारा, जल्दी आओ लॉन्ग ड्रैगन मारा हो भाई, मुझे तुम सबकी जरूरत है यार। ये भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब भाई आडमंड म्यूटू के ऊपर तो मैं दाव लगा रहा था यार कि वो जिता देगा मुझे। भाई मेगा लुकारियो जिंदा हो गया। चलो लपेटो पे, ऐसी की तैसी इसने पंगा किससे लिया है? है इसे लग रहा है बस आडमंड म्यूटू को मार देगा तो मैं हार गया क्या? है मैं डरता नहीं हूँ तेरे से, ठीक है याद रखियो बात ये। भाई इसकी हेल्थ गाइस हमने काफी तो कम कर दिया है। रुक जा, इसके पास 5-6 बार और मुझे लग रहा है जहर की गोली मार दी है, और फिर ये गाइस हमारे कब्जे में आ जाएगा। चल हेल्थ डाउन हो रही है, बहुत बढ़िया। बस मुझे नहीं मरना, पर चले भाई जहर की गोली लगी रह जाए और ये मुझे टपका दे, और जब तक मैं यहाँ रिस्पॉन हो गया हूँ तो यही टपक जाए। चलो घेर के मारो इसे, पूरा घेर के मारो। इसने बेटा मेरे आडमंड म्यूटू के साथ बेटा अन्याय करा है, मतलब भाई मैंने जैसे अपने सारे पोकेमोन्स को अंदर रख लिया भाई, उसने पूरा हमला उस पे कर दिया और उसे चटका दिया। चलते रहो, मैं इस भाई डैमेज देता रहूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसने भाई डियाल्गो को लपेट दिया, देखो डियाल्गो मर चुकी है। जल्दी, बस मेरे पास कुछ ही गिने चुने अच्छे अच्छे पोकेमोन्स हैं और मुझे इन पे पूरा भरोसा है यार। इसकी गाइस हेल्थ आ चुकी है 10 करोड़ से अंदर, 9 करोड़ की गाइस हेल्थ हो चुकी है, बहुत बढ़िया भाई। निला रहे हैं, जमा रहे हैं, आग लगा रहे हैं भाई, सब कुछ चल रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। बच गया। अरे मेरी जेब में भी तो कोई पोकेमोन नहीं है, मतलब उड़के भी भागना हो तो भागने के लिए भी पोकेमोन नहीं है, अपने ग्लाइडर को यूज करके भागना। मार ले बेटा, तेरी ऐसी की तैसी करूंगा। रुक जा बेटा, अब तू गया बेटा, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कहां है ये भाई, इसकी हेल्थ काफी कम हो गई। रुक जा, मुझे लग रहा है बस एक जहर की गोली और। अरे यार गलत लग गई, मुझे मत मारियो। मैंने भाई अपना मास्टर स्वेयर रेडी कर लिया है, और एक जहर की गोली और इसकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अरे मुझे मत मार, ठीक है। ये ले बस हेल्थ कम हुई, ठीक है। बस आने दो भाई, 5 करोड़ के नीचे आने दो, मैं इस पर अपना स्वेयर फेंक दूंगा। फेंकने वाला हूँ, 5 करोड़ की गाइस हेल्थ नीचे आ गई है। ओके भाई, 4 करोड़ की हेल्थ हो गई है। लेट्स गो, फेंको भाई, 90% के आप चल रहे हैं। प्लीज दादा, ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने मेगा गेंगार को गाइस कैप्चर कर लिया है भाई। हमारे पास ये गाइस मेगा गेंगार आ चुका है यार। ओ भाई अब आने वाला है गाइस मजा, क्योंकि अब पैल वर्ल्ड में भाई तहलका मचने वाला है, क्योंकि गाइस हमारे पास हो चुके हैं लिटरली सबसे खतरनाक पोकेमोन्स। मतलब गाइस देखो हमारी टोली में कौन कौन से पोकेमोन हो चुके हैं,
एक है भाई हमारा मेगा गेंगार, फिर आता है भाई हमारा आर्मर्ड म्यूटू, शैडो म्यूटू। बता के बताओ यार, इससे खतरनाक पोकेमॉन्स किसके पास हैं? और गाइस मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम यार अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो गाइस अब टाइम आ चुका है उस 1000 लेवल के इटरनेटस से बदला लेने का जिसने गाइस हमारा पूरा बेस तोड़ा था। मतलब मैंने यार वो बेस को बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था और उसने भाई 5-6 सेकंड के अंदर ही मेरे पूरे बेस को चकनाचूर कर दिया था। बट गाइस अब मुझे लग रहा है कि मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ उस इटरनेटस से फाइट करने के लिए। बाकी गाइस तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि यार इस मेगा गेंगार की फाइट कौन से पोकेमोन के साथ कराई जाए, और कोई नए पोकेमोन है तो यार मुझे कमेंट्स में बताना यार जिन्हें मुझे पकड़ना चाहिए। और साथ में गाइस जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग 1000 लेवल के इंटरनेटर से फाइट करने वाले हैं। और गाइस तब तक तुम लोग जाकर माइनक्राफ्ट की ये वाली वीडियो देखो। टेक केयर एंड पीस।